हे गाइस, कैसे हो सब। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ डोसा और डालमा और चटनी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और है ये देखिए, हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है। आज मेरा बेटा का बर्थडे है तो आज ब्रेकफास्ट में डोसा डालमा और चटनी रहेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल निवेदिता फैमिली। मेरे सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, कैसे हो सब, कमेंट करके जरूर बताना। आज है एक स्पेशल डे, जैसे कि आपने देख लिया होगा टाइटल थंबनेल में। जी हाँ, मेरा बेटा का आज बर्थडे है, 12th बर्थडे है, 11th की 12th देखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरा बेटा को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि आगे बहुत आगे बढ़े। आप लोग का तो ब्लेसिंग्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और आज का ब्लॉग बर्थडे ब्लॉग रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल में, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं फटाक से रेडी होके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अभी जस्ट नहा के आई हूँ, बाल गीला है मेरा, तो मैं फटाक से रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया, तैयार हो गई है, हो गई हूँ। अभी ना ब्रेकफास्ट कर लूँगी, बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट कुछ सामान लाने बर्थडे के लिए। आज ना कुछ स्पेशल बनेगा, बर्थडे है तो, लेकिन ऐसे ना कुछ पार्टी वार्टी नहीं है क्योंकि सिचुएशन आप सबको तो पता ही है कैसा अभी माहौल है, तो वो सब तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, बच्चों का खुशी के लिए तो छोटा सा जैसे वैरायटी खाना हुआ, केक कटिंग, वो तो करना पड़ेगा, उनको अच्छा लगता है। और पता है, साल भर वो इसी दिन के लिए ना वेट करते रहते हैं, अरे मम्मी और 2 दिन बाकी रह गया हमारा बर्थडे को और 4 दिन रह गया, ऐसा बोलते रहते हैं। तो वही जो भी उनका मनपसंद खाना है मेरा बेटा का, तो वो सारा बनाऊँगी मैं और आप लोगों से शेयर करूँगी, आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, जो डोसा है ना, डोसा और डालमा और चटनी बनाई हूँ। अरे मसाला डोसा एक्चुअली बनाने वाली थी लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, तो मसाला ना बना के मुझे दाल बनाना पड़ा। तो बस चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं खाना वाना खा ली, बर्तन धो ली, अभी मैं लंच बनाऊंगी। लंच में उसका पसंद का, मेरा बेटा का पसंद का खाना बनेगा, तो मैं बनाऊंगी चाइनीज फ्राइड राइस और चिकन पकौड़ा, चिली चिकन वो बनाऊंगी, ठीक है। तो और कुछ नहीं, रात को और जो भी बनेगा, 2-4 फ्रेंड आने वाले हैं उसका, तो चलिए चावल बिठा देते हैं और मैं चाय बिठाई हूँ उधर, चाय पीते पीते काम शुरू कर दूँगी। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं अपना काम। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं चिकन पकौड़ा का तैयारी कर रही हूँ। चिकन ले ली हूँ और नमक, हल्दी, गरम मसाला, 2 अंडे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर थोड़ा सा डाली और कॉर्न फ्लोर डाल दी, थोड़ा सा मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सारे को मैं अच्छे से मिक्स कर ली और उसके बाद उसको तल लूँगी डीप फ्राई में। और हाँ, 15-20 मिनट के लिए मैं मैरिनेट करने रख दी थी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए मैरिनेट करते तो वो और अच्छा बनता, लेकिन ख़राब नहीं बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, इंस्टेंट भी आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंजॉय कीजिए। चिकन पकौड़ा बनके तैयार हो गया है और एक फेस गार्ड डाली थी। किसको किसको चिकन पकौड़ा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्राइड राइस के लिए ना मैं प्याज व्याज काट के रखी हूँ, चिकन पकौड़ा होने के बाद वो मैं बना दूँगी, मतलब चावल ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद मैं उसको बस तड़का लगाऊँगी। टमाटो केचप, फ्रेंड्स हमारा चिकन पकौड़ा तो बन के तैयार हो गया है। अभी मैं चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं एक लोहे का कढ़ाई ली हूँ, उसमें ना मेरा नहीं चिपकता है, बहुत अच्छा फ्राइड राइस बनता है। और मैं सारे सब्जी भी काट कूट के रखी हूँ जो भी अवेलेबल था, लहसुन
लहसुन, केबेज और प्याज, बीटरूट, कैप्सिकम, ठीक है। तो इतना सब्जी मेरे पास अवेलेबल था। गाजर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। यम्मी सा चिली चिकन बनके तैयार हो गया है, लंच तैयार हो गया है। इसके बाद लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, किचन क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद खीर बनाऊँगी, रबड़ी बनाऊँगी, बहुत कुछ बनाना है। इतना बड़ा लिस्ट दिया है, इतना बड़ा लिस्ट, ठीक है। तो चलिए उसको लंच खिला देते हैं, उसको पसंद आया कि नहीं देखते हैं। खीर बैठाऊंगी, मतलब 3:45 हुआ है, अभी मैं खीर बैठाऊंगी और इलायची डाल के। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं खीर भी बिठाई हूँ, साथ में पनीर का सब्जी भी बनाऊँगी। तो एक कढ़ाई में मैं घी ले ली हूँ, देसी घी। उसमें पनीर को एकदम हल्का फ्राई करूँगी, जस्ट हल्का, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। उसमें मैं गरम मसाला, सूखा मिर्च और अदरक लहसुन सब खड़ा डाल दूँगी, प्याज, टमाटर और काजू, ये जो है ना टूटा हुआ काजू है, उसका सारा को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि सॉफ्ट ना हो गया हो। फिर उसको मैं ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। और ये रहा खीर। फ्रेंड्स यहाँ पे खीर का थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं ओमल पाउडर और मेरी बिस्किट का इस्तेमाल की हूँ, 5-6 मेरी बिस्किट और 3 से 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको ना, मैं अपने अंदाज में एक यूनिक तरीके से बना रही हूँ, मतलब थोड़ा चावल कम डाल के ना उसका थिकनेस, दूध का थिकनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसका फ्लेवर कैसा आ रहा है ये वो देखूँगी। और वो जो मसाला पनीर के लिए मसाला मैं फ्राई कर चुकी हूँ, वो ठंडा होने के बाद उसको ग्राइंड करूँगी, फिर पनीर का सब्जी बन के तैयार हो जाएगा, वो ज़्यादा काम नहीं है। और पूरी बनाऊंगी, नान बनाऊंगी सोच रही थी, लेकिन नान में ना थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको कन्वर्ट करके मैं सोच रही हूँ कि पूरी बना लूँगी और चाउमीन बनेगा। तो चलिए, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सो गई थी, फिर भी अभी देखिए गर्मी बहुत लग रहा है, तो थोड़ा बाहर का हवा खा के आ जाती हूँ। फ्रेंड्स ये रहा कंडेंस मिल्क, ये मैं घर पे ही बनाई थी, ये मैं डाल दूंगी खीर में। और वो जो दिखाई थी बिस्किट का पाउडर वो भी ऑलरेडी डाल दी हूँ। चीनी मैं स्वाद के हिसाब से डालूंगी क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी चीनी है, तो उस हिसाब से मैं इस्तेमाल करूंगी।
पे मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन। तो चाउमीन को मैं पहले उबाल ली हूँ और वेजिटेबल्स लहसुन का फ्लेवर डाल के मैं वेजिटेबल्स डाल दी हूँ। वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, जो थोड़ा सा जैसे वेजिटेबल्स क्रंची रहे। और प्याज, हरी मिर्च और चाउमीन वो डाल दूँगी। फिर उसमें मैं सारे सॉस डालूँगी, टमाटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस और काली मिर्च का पाउडर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाउमीन का टेस्ट ना दुगना हो जाता है। तो वो डाल के मैं चाउमीन बना लूँगी। चाउमीन हमारा बन चुका है। यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा तेल ले ली हूँ और सारे पाउडर मसाले को हल्का फ्राई कर ली हूँ। फिर जो हमारा मसाला हम बना के रखे थे ना, वो हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। फिर कसूरी मेथी और क्रीम डाल के हमारा पनीर का सब्ज़ी, मेरा खाना बन गया है। अभी मैं रेडी, थोड़ा सा रेडी होंगी। आटा लगा के रखी हूँ, पूरी गरम गरम तलूंगी, आपको दिखाती हूँ चलिए क्या क्या बनाई हूँ। फिर ये देखिए, पनीर, यहाँ पे चाउमीन। फ्रेंड्स, मैं ये वाला साड़ी पहनने वाली हूँ, ठीक है, ब्लाउज। तो फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ा अब रेडी होके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और उसका दो चार दोस्त आए हुए हैं बस। तो चलिए साड़ी पे हैंकी टक्कर लेते हैं, ब्लू ब्लू। बच्चे चले गए, बच्चे मतलब दो बच्चे आए, चार बच्चे आए थे उनका दोस्त। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी हम लोग खाएँगे।
फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए खा लेते हैं।